सदाकत शाह और उसका सारा टोला हजूर आला ताजदार गुलड़ा की निस्बत से अपने आप को मंसूब करके शोहरत पाकर आज कहते हैं ये हजूर आला के मलफूजात ही नहीं है, शर्म से डूब मरना चाहिए। ये कौन सा अकीदा है जो 100 साल बाद फैसलाबाद की एक झोंपड़ी में बैठ कर एक बंदे को नजर आया कि मलफूजात मेहरिया से गुमराही फैल रही है। वही हाल किया जो वाइज ने इमाम अहमद बिन हम्बल के साथ किया था, इन बदबख्तों को लगाम दी जाए जिन्होंने हजूर आला ताजदार गुलड़ा के अफकार और नजरियात को गुमराह कुन कहा है और गुमराही फैलाने वाला कहा है, इसकी शाख बंद की जाए और लिख कर लगाया जाए कि जो भी ये किताबें पढ़ेगा वो गुमराह है। आज भी तुम्हें दावत फिक्र है कि लौट आओ ताजदार गुलड़ा की बारगाह में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबियीन व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। हज़रते ग्रामी, हमने कुछ अरसा पहले चंद नाअहल गोलड़वियों को मुखातब किया था, उन्होंने दावत फ़िक्र दी थी कि आप हुजूर ताजदार गोलड़ा की कुतुब को पढ़ें और उसमें जो हुजूर ताजदार गोलड़ा ने अकीदा अहले सुन्नत बयान किया है उसको समझ कर अवाम अहले सुन्नत में पेश करें। इस बयान पर मज़ीद तबसरा से पहले एक बात वाज़ह कर देना चाहता हूँ कि एक है अवामी माहौल में अपनी बात को बनाना और एक है हकायक की बुनियाद पर किताबों में जो कुछ लिखा है वो बयान करना। आज जिन नलायकों से हमारा पाला पड़ा है उन्होंने मिर्ज़ा कादियानी की रवश को अपनाया हुआ है। हुज़ूर ताजदार गोलड़ा ने जब बासो मुबासे शुरू किए तो अव्वलीन जो कादियानी के दावे थे वो यही थे कि मसीह अलैहिस्सलाम ने दुनिया में अब दोबारा नहीं आना। हयात मसीह पर उसने शकूक व शुबहात पैदा किए थे और इस पर वो तकरीरें करता था और तहरीरें लिखता था कि मैं किस तरह मान लूँ कि मेरे आका मेरे मौला सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी ज़िंदगी तबलीग करें और इस्लाम जो है वह खित्ते अरब के चंद लोगों तक महदूद रहे और एक इसराइली मसीह इब्न मरियम आए और उसके आने से पूरी दुनिया में इस्लाम फैल जाए। ये उसकी अवामी तकरीरें होती थी। अवामी माहौल में उस बंदे ने पूरी एक ग्राउंड बना ली थी और पीर मेरे निशा सब इसका रद्द कर रहे थे कि नहीं वही आएंगे तो उनके आने के बाद वाइम मिन अहले किताब इल्ला लयुमिनन नबी क़ब्ल मौती, उनके आने के बाद उनकी मौत से पहले पहले पूरी दुनिया में इस्लाम फैल जाएगा। अब एक तरफ हुज़ूर ताजदार गोलड़ा बयान करते थे कि मसीह अलैहिस्सलाम के आने के बाद दुनिया में एक भी काफिर नहीं रहेगा और इसके जवाब में मिर्ज़ा कादियानी करता था, कहता था मैं कैसे मान लूं कि वो आएगा, मैं अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानूंगा। ये अवामी मुगालता था जो वो देता था। अब अवाम जब सुनेगी तो यही समझेगी कि ये शायद सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात को नहीं मान रहे और मिर्ज़ा कादियानी दुरुस्त कह रहा है। इसी बुनियाद पर तो उसने इतनी अवाम को पीछे लगाया। अब माहौल ये था कि वो इसके पीछे एक साजिश कर रहा था और कह रहा था कि वो जो आएगा वो इसराइली नहीं होगा, वो मुहम्मदी होगा। इसमें वो कहता था कि अगर मुहम्मदी होगा तो फिर मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का जहूर होगा, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही तबलीग समझी जाएगी और आगे फिर उसने जो वारदात की वो फिर सारी दुनिया ने देख ली। फिर उसने माहौल बनाकर कहा कि अब वो मुहम्मदी मैं ही हूँ। फिर इससे आगे से आगे निकलता गया और मिर्ज़ा कादियानी के रद्द में हुज़ूर ताजदार गोलड़ा साबित कर रहे थे कि नहीं, कुरान और सुन्नत ने जिसे कहा है मसीह इब्न मरियम वही कुर्बे कयामत में दुनिया में आएंगे, उन्हीं का नुसूल होगा। तो ये तमहीद बयान करने का मकसद ये कि एक था अवामी माहौल में अवाम को पीछे लगा लेना और एक है किताब और सुन्नत में जो कुछ लिखा है उसको बयान करना। अकायद और नजरियात का दिफा अवाम को जिस तरफ आप लगाएंगे अपने माहौल से वो तो लग जाएगी, लेकिन किताब व सुन्नत में जो कुछ लिखा है उस पर अवाम अहले सुन्नत को लाना दीन की तर्जुमानी ये होता है। आज हमारे मुखालफीन ने भी कुछ वही रवश अपनाई हुई है, लेकिन हम कहते हैं कि जो तुम्हारे बुजुर्ग तुम्हारे क्या वो भी हमारे हैं, हुजूर ताजदार गोलड़ा वो जो लिख कर गए हैं वो बयान करो। मसला ये चला कि इन्होंने कहा कि अम्बिया से खताए इज्तिहादी का सुदूर ये गुस्ताखी और बेअदबी है। इस पर मैंने चैलेंज किया था कि तुम्हें फिर चैलेंज है कि एक हफ्ते में हुजूर ताजदार गोलड़ा की कुतुब पढ़ कर आओ और इस अकीदे को ताजदार गोलड़ा की किताबों से बयान करो। अहले सुन्नत और हमारे मुसलमात में जो अकीदा है वो ये है कि अम्बिया किराम को अल्लाह रब्बुल इज्जत खता इज्तिहादी पर बाकी नहीं रखता। अब ये भी हम अच्छे अंदाज से बयान कर रहे हैं कि ये अंदाज इख्तियार किया जाए, वरना कुतुब में तो ये मजकूर है
कि उनसे भी खता वाकई हुई, खता का वकू है लेकिन बका अलल खता नहीं है। तो इसको इस अंदाज से हम बयान करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने प्यारे अंबिया कराम को खता इज्तिहादी पर बाकी नहीं रखता। तो अकीदा यह है कि अगर खता इज्तिहादी का वकू है तो वो अंबिया को बका नहीं है, बका अलल खता उनकी इस्मत के मुनाफी है। इस पर बात चली थी और इसको हमने चैलेंज दिया था कि आप इस अकीदे को, अहले सुन्नत के अकीदे को पीर साहब की कुतुब से पढ़ें और बयान करें। इस पर अव्वल तो हैरान कुन बात यह है कि चैलेंज दिया था पीर मेर अली शाह साहब की किताबें पढ़ने का और उन्होंने कहां से कहां वो हवाले ढूंढे, वो मुख्तलिफ कुतुब से अकवाल ढूंढे, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुंभा छोड़ा, ये तो कहा ही नहीं था कि तुम ये निकाल कर लाओ, और फिर इतने नाअहल हैं कि चैलेंज भी चलाया। या तो ये था कि अपने तौर पर जो बयान करना है वो करते रहें, बकायदा मेरा चैलेंज वो क्लिप चलाकर फिर कहा कि हमें हफ्ते का चैलेंज दिया कि हम बयान करते हैं। भाई हफ्ते का चैलेंज था तो पीर साहब की किताबों से बयान करना था, इधर उधर के अकवाल उनकी भी क्या हसीयत है उसको हम बाद में बयान करेंगे। सबसे पहले हमारा मकसद हुजूर ताजदारे गोलड़ा की कुतुब उनके अफकार व नजरियात का तहफ्फुज़ है। सब कॉल पेश किए लेकिन ताजदारे गोलड़ा की कुतुब से एक कॉल भी पेश ना किया। फिर जब हमने ये मलफूजात मेहरिया से वो मसला वाज़े किया कि हुजूर ताजदारे गोलड़ा भी इसी बात के कायल हैं कि खता अम्बिया से भी वाक़े है लेकिन बका अलल खता अम्बिया की इस्मत के मुनाफी है, ये सारे दलाइल हमने पेश किए थे। अब होना तो ये चाहिए था कि जब उनके सामने ताजदारे गोलड़ा का नाम आ गया तो सरे तस्लीम खम कर लेते। अगर हुजूर ताजदारे गोलड़ा को माना होता, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शख्सियात को मानते हैं नजरिया जरूरत की बुनियाद पर। ताजदारे गोलड़ा इनके कोई पीर मुर्शिद नहीं है, ना इन्होंने दिल से तस्लीम किया है, ये सिर्फ हुजूर आला उनका नजरिया जरूरत है। नजरिया जरूरत का मफहूम यह है जिस तरह कुरैश मक्का कुरान मजीद पढ़कर देखें, वो बुतों को पूछते थे लेकिन मुखलिस कोई भी नहीं था बुतों के साथ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वादे फरमाया कि जब वो मुश्किलात में होते थे दाअवुल्लाह मुखलिसीन, फिर अल्लाह को मुखलिस होकर पुकारते थे। इसी तरह हजरत अब्दुल्ला बिन मसूर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो मशहूर वाकया कि जब वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गए, एक बुत के अंदर मुस्लिम जिन आया, कुफार परस्तिश कर रहे थे, मुस्लिम जिन ने आकर कलाम किया तो उसी बुत को मारना शुरू कर दिया। यानी कोई भी बुतों के साथ मुखलिस नहीं था, वो सिर्फ उनका नजरिया जरूरत था कि बुतों को मानते थे कि बुतों के नाम पर जितनी दुनिया आती है, जितनी कमाई होती है, उस कमाई को कहीं जाया ना कर बैठे। आज इन बदबख्तों ने हजूर आला को भी नजरिया जरूरत की बुनियाद पर माना हुआ है। काश कि इनके सामने जब हजूर आला के मलफूजात आए थे ये सरे तस्लीम खम करते, लेकिन इनको जब नजर आया कि हजूर आला ताजदारे गोलड़ा भी हमारी फिक्र के नहीं हैं, बजाय इसके कि सरे तस्लीम खम करते इन्होंने प्रोपगंडे का सहारा लिया, मेरे बारे में प्रोपगंडा करने लगे। जितना मर्जी कर लो, हमने तो उनके प्रोपगंडे वो पूरी गाली ब्रिगेड को सुना हुआ है जो कहता था सुबह से लेकर शाम तक गाली देता रहूंगा, इन चीजों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हिम्मत है तो हजूर ताजदारे गोलड़ा हजूर आला से अपने अकीदे और नजरिए को पेश करो, लेकिन तुम किसी सूरत भी पेश नहीं कर सकते। इसी तरह का एक वाक्य याद आता है, ये सदाकत शाह और बरकात जैसे नाअहल लोग, इन जैसा एक वाइस एक मस्जिद में खिताब कर रहा था और इमाम अहमद बिन हम्बल का जमाना था, इमाम अहमद बिन हम्बल का नाम लेकर हदीस बयान कर रहा था और सफर के दौरान इमाम अहमद बिन हम्बल और यहया बिन मुईन ये हजरात भी मस्जिद में पहुंच गए, ये मुसाफिर बनकर बैठे थे। वो इनके नाम से अपने मनाकिब बयान कर रहा था कि मैंने इनसे हदीस सुनी है, जबकि वो सारा कुछ मनगढ़ंत था। जब मजमा खत्म हुआ दोनों हजरात करीब गए, कहने लगे वाइस तुमने वाकई अहमद बिन अम्बल और यहया बिन मुईन से ये सुना हुआ है? कहने लगा हाँ हाँ मैंने सिमा किया है। उन्होंने कहा ये इमाम अहमद बिन अम्बल है, मैं यहया बिन मुईन हूँ, हमने तो कभी ये मनगढ़ंत बातें नहीं बयान की। ये सुनकर थोड़ी देर परेशान होकर कहने लगा मैंने सुना था अहमद बिन हम्बल और यहया बिन मुईन बेवकूफ हैं, आज साबित हो गया कि वाकई तुम दोनों माजल बेवकूफ हो। मैंने तो 17 बंदे देखे हैं जिनका नाम अहमद बिन हम्बल था, जिनका नाम यहया बिन मुईन था, जिनके नाम से शोहरत पा रहा था, थोड़ी देर बाद उन्हें गालियां देने लगा। आज ये नलायक सदाकत शाह और उसका सारा टोला हजूर आला ताजदारे गोलड़ा की निस्बत से अपने आप को मनसूब करके शोहरत पाकर आज कहते हैं ये हजूर आला के मलफूजात ही नहीं है। शर्म से डूब मरना चाहिए, पूरी सदी हो गई इन मलफूजात को छपते हुए, 100 साल गुजर चुका। मौलाना मुहिब्बुन नबी मौलाना गुलाम मोहम्मद घोटवी साहब, इतने इतने बड़े मशायख सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में मनसूब हैं हजूर आला ताजदारे गोलड़ा से,
सब ने मलफूजात को पढ़ा, इस पर एतकाद रखा और इसको शाया किया, इसको फैलाया। ये कौन सा अकीदा है जो 100 साल बाद फैसलाबाद की एक झोंपड़ी में बैठ कर एक बंदे को नजर आया कि मलफूजात मेहरिया से गुमराही फैल रही है। तुमने बकवास की थी कि आज ये जो ये नजरिया रखेगा वो गुमराह है, और हम चीखते थे जालिमों तुमने हुजूर ताजदार गोलड़ा हुजूर आला को गुमराह कहा है, या तो निकाल कर दिखाओ, और फिर निकाल तो सकते नहीं हो और कहते हो ये मलफूजात हुजूर आला के हैं ही नहीं। अजीब जवाब है। वही हाल किया जो वाइज ने इमाम अहमद बिन हम्बल के साथ किया था, अपने आप को झुकाना तुम्हारे लिए मौत है हुजूर आला की बारगाह में, इसलिए हम कहते थे कि हम हैं वारिस हुजूर ताजदार गोलड़ा के अफकार और नजरियात के। तुमने तो दोबारा उसमें कहा था कि पता लगेगा कौन है वारिस, अब पता चल चुका है। तुम तो कहीं कीट कहीं करोड़ा जोड़ते फिरते हो, हम तुम्हें दिखा रहे हैं हुजूर आला ताजदार गोलड़ा, इस किताब में जो कुछ लिखा है अगर तुम्हारा आज भी नजरिया है कि वो गुमराही है, इसका मतलब यह है कि तुम हुजूर ताजदार गोलड़ा को आपके मलफूजात को गुमराही कह रहे हो। आज भी तुम्हें दावत फिक्र है कि लौट आओ ताजदार गोलड़ा की बारगाह में, और हुजूर आला ताजदार गोलड़ा के जितने भी मसनद नशीन वो रसा हैं उनसे भी हमारी पुरजोर अपील है कि इन बदबख्तों को लगाम दी जाए जिन्होंने हुजूर आला ताजदार गोलड़ा के अफकार और नजरियात को गुमराह कर कहा है और गुमराही फैलाने वाला कहा है। कितनी बड़ी जुर्रत है। हम तो बचपन से हुजूर ताजदार गोलड़ा की दहलीज को चूम कर आने वाले लोग थे और हमेशा आपकी तालीमात को हिदायत का सरचश्मा समझते हैं। अगर ये गुमराही फैलाती हैं तो लिख कर लगाया जाए, इसकी शाख बंद की जाए और लिख कर लगाया जाए कि जो भी ये किताबें पढ़ेगा वो गुमराह है। शर्म से डूब मरने का मकाम है इन लोगों के लिए। अभी तो एक किताब है, मैंने तो कहा था अभी शम्सुल हिदाया, सैफ चिश्तियाई, मकतूबात मेहरिया, सब कुछ आएगा तुम्हारे सामने। और तुमने कहा था ये मलफूज है मकतूब नहीं है, तो मैंने जो मकतूबात पढ़े थे वो तो मकतूब भी है और ऐने मकतूब भी है, यानी मकतूब ये लिखा हुआ उदू ताजदार गोलड़ा का, और है भी मकतूबात का एक मकतूब। उसमें ताजदार गोलड़ा हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ गलती और वहम को मनसूब कर रहे हैं, जिसका तर्जमा हमारी जुबान में खदा इज्तिहादी है। तुम्हारी जुबान में तो ये भी तस्लीम नहीं है, तुमने तो गलती और खदा इज्तिहादी को अलग रखा हुआ है। हम कहते हैं कि पीर साहब ने जो गलती बोल दिया और लिख दिया, ये कोई नकल नहीं है कि जिसने बाद में अपनी याददाश्त के मुताबिक नकल किया। हम कहते हैं ताजदार गोलड़ा ने जो खुद लिखा था उससे मुराद भी खदा इज्तिहादी है, कि ताजदार गोलड़ा की इस्लाह में उनके लिटरेचर में लफ्ज़ गलती बोलकर खदा इज्तिहादी मुराद लेना कोई बईद नहीं है। तो ये सारी बातें जब वाजे हैं, आज तुम इसका इनकार करते हो तो तुम्हें मकतूबात का भी इनकार करना पड़ेगा। फिर शम्सुल हिदाया और सैफ चिश्तियाई को अगर कह बैठे कि ये गुमराही फैलाती हैं, ये दो ही तो किताबें थी जिन्होंने कादियानियत में लर्जा उतारी कर दिया था, इसलिए आज भी दावत फिक्र है लौट आओ। हर कसे अजन ने खुद शुद्यारे मन अजरू ने मन नजु ससरारे मन, आज हुजूर ताजदार गोलड़ा की रूह भी कहती होगी कि हर कोई अपने गुमान के मुताबिक तो मेरा मुहिब बना है। अजरू ने मन नजु ससरारे मन, कभी मेरे अंदर के असरार भी पढ़कर देखो कि मैं क्या कहता हूँ। आज उनकी किताबें कह रही हैं कि मेरी किताबें पढ़कर देखो कि मेरे अफकार और नजरियात क्या हैं। तुमने चंद टके बिटोरने के लिए आपकी करामात को रटा लगाया हुआ है, आपके अफकार और नजरियात को पढ़कर आओ। आखिरी दफा मैं दोबारा दावत देता हूं कि लौट आओ, और मसनद नशीन हजरात को भी दावत है कि इन किताबों को गुमराह कहने वालों को लगाम दी जाए, उन पर पाबंदी लगाई जाए। अगर सबका मुत्तफिका नजरिया है तो फिर मलफूजात मेहरिया को क्या छापना बंद किया जाएगा? फिर इससे पहले जो 100 साल छपती रही, जिन जिन उलमा ने पढ़ी, जिन्होंने इतकाद रख लिया, वो सारे गुमराही पर मरे क्या? अजीब लॉजिक है। खुदा के लिए लौट आए, हमारी आज सिर्फ दावत फिक्र ही है। आज बड़े अच्छे अंदाज से मैंने दावत फिक्र दी है, मजीद भी सारे हवाले आ जाएंगे। इनकार करने की बजाय हकाए के आगे सर तस्लीम खम करने का मादा पैदा करने, वरना अगर ख्वाहिशात के पीछे चलना है तो वमन अदल्लु मिम्मन इत्तबा हवा, उससे बढ़कर गुमराह कौन हो सकता है जो अपनी ख्वाहिश के पीछे चलता है। अल्लाह आपको हिदायत की तौफीक दे।